ये कब तक चलेगा? तुमने मेरी चप्पल चुरा ली और तुम्हारे चूहों ने तो मेरा पासपोर्ट ही खा लिया। मुझे माफ करें, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। मैं ये सहन नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा होटल छोड़ रहा हूँ, मेरा पैसा वापस करो। चलो। हाँ, हमारे पैसे वापस दो। परेशान मत होइए, चलो सब शांत होकर बात करते हैं। पैसा 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 पैसा। ठीक है ठीक है, ये रहे आपके पैसे। ठीक है, मैं इस कूड़ेदान में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारे लिए बुरा रिव्यू छोड़ रही हूँ। मैं भी। अरे नहीं, इस तरह मैं कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगी। हेलो बेस्टी, देखो मैं क्या लाई तुम्हारे लिए। अरे दुखी क्यों हो? मुस्कुराओ। मत करो। तुम इतने परेशान क्यों हो? कॉकटेल पी लो। ईवा। हे लड़कियों, आज इन मीटिंग के लिए क्यों बुलाया? इसे देखो। ओप्सी, क्या हुआ तुम्हें? किसी ने चोट पहुंचाई क्या? मैं अभी उसे निपट लूंगी। किसी ने कुछ नहीं किया है। जरा बच गए। नेट उठो, तुम तो मेरे कॉकटेल पर ही गिर पड़े। तुम्हें उसकी चिंता नहीं है कि मेरे पैर टूटते टूटते बचे हैं? अरे लड़ना बंद करो, हम किटी के लिए आए हैं। तुमने सही कहा। तो बताओ किटी, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम सभी जानते हो कि मेरे मम्मी पापा छुट्टी पर गए हैं और सारे पैसे साथ ले गए हैं। तो मैंने फैसला किया कि मैं कुछ पैसे कमाऊंगी और उनके घर को एक होटल में बदल दिया। लेकिन सब बुरी तरह फ्लॉप हो गया, सब मेहमान भाग गए। मैं ये अकेली नहीं कर सकती। हम तुम्हारी मदद करेंगे किटी। वैसे भी हम सभी सर्दियों की छुट्टी पर ही तो हैं। हम कुछ पैसे कमा लेंगे। शुक्रिया, तुम लोग असली दोस्त हो। बहुत बढ़िया, तुम लोग अच्छे लग रहे हो। मुझे समझ नहीं आया कि वह स्टाइलिस्ट और मालिश करने वाली और मैं सिर्फ नौकरानी क्यों? हाँ, और मैं तो एक नौकर लग रहा हूँ। मेरे अलावा और कौन स्टाइलिस्ट हो सकता है? तुम हो सकती हो? क्या? तुम्हें लगता है मैं खराब कपड़े पहनती हूँ? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें। रुक जाओ, मत करो, रुक जाओ। क्या? अरे बस मौत हो गया। मैं हूँ सबसे ज्यादा स्टाइलिश तुम सभी में से। तुम? आखिर तुम हंस क्यों रही हो? मेरी ड्रेस तुम सभी में से सबसे बेहतर है। तुम नहीं जानते, मैं यहाँ सबसे फैशनेबल हूँ। मुझे नौकरानी नहीं बनना, मुझे स्टाइलिश वाला बैच चाहिए। मुझसे दूर रहो। शांत रहो। तुम्हें पता भी है उन्होंने अभी क्या कहा? हमारे होटल की रेटिंग गिरकर एक स्टार रह गई है। इसमें चिंता की क्या बात है, ये सब तो नॉर्मल है ना? नहीं, तुम नहीं समझे। अगर हमें एक खराब रेटिंग मिली तो हम आखिरी स्टार खो देंगे और फिर काम बंद। काम बंद नहीं होगा, हम सच में मेहनत करेंगे, है ना दोस्तों? बिल्कुल सही। अब लड़ना बंद करो, बस अपना काम करो। ठीक है? ठीक है, समझ गए। बिल्कुल सही, हमारे होटल को शहर में सबसे अच्छा होना चाहिए। पहले मेहमान जल्दी आ रहे हैं, ये कितना रोमांचक है। हाँ सच में कमाल का है। अरे मियाँ कहाँ है? वो कमरे को साफ करने के लिए गए हैं। ठीक है, तुम और वो हाउसकीपर हैं। चुप रहो, मेहमान आ रहे हैं। ये एक लग्जरी होटल है। मैंने सोचा था कि ये तो बड़ा होगा। गुड डे, हमें अपने होटल में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। इतने शांत क्यों हो? हेलो, हमने यहाँ सबसे आलीशान कमरा बुक किया है। हाँ हाँ बेशक, अनीता और जैक है ना? हाँ सही कहा, लेकिन अब जल्दी करो, तुम्हारी सर्विस स्लो होती जा रही है। दरवाजे पर किसी ने हमारा स्वागत भी नहीं किया, क्या मतलब है इसका? मुझे खेद है, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह की सर्विस दोगे तो अगली बार होगा ही नहीं। देखो उसे,
वो कितनी घमंडी है। हाँ, इनकी शक्ल भी बकवास है। अच्छा तो हम अब तक यहाँ पर खड़े क्यों हैं? हमारा सामान कौन उठाएगा? हाँ ये और मेरा भी। ठीक है, अब हम सब कर लेंगे। हद है। किटी क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। नेट सूटकेस ले लो और हमारे मेहमानों को उनके कमरे में ले जाओ। पर मैं किस लिए? मैं तो हाउसकीपर हूँ। नेट आगे बढ़ो, नेट आपको रूम 16 में ले जाएगा। आखिरकार हम यहाँ आधे घंटे से खड़े हैं। तो चलते हैं। वाओ क्या कचरा है। तो ये रहा आपका शानदार कमरा। खैर मेरी अलमारी बड़ी है। तो फिर आपका दिन अच्छा जाए। ए, आराम से, ये सूटकेस तुम्हारे पूरे होटल से ज्यादा महंगा है। और वैसे तुम्हें हमारी चीजें खोलनी चाहिए। हाँ, आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। अरे हाँ, लाओ मुझे मेरी टिप दो, ठीक है? वाकई? वैसे तो तुम्हें हमें देने चाहिए जो इतना बकवास रूम में लेकर आए। यार तुमने सुना नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ठीक है ठीक है, ये लो ले लो पैसे। तू तो समझदार है छोटे। ये कौन है? इसे बाहर ले जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं, ये मेरा काम बिल्कुल नहीं है, तुम्हें इससे खुद ही निपटना पड़ेगा तुम दोनों को, ठीक है? अरे मगर मुझे गुस्सा आने लगा है अब। ए, ए, कौन हो तुम लोग? हम यहाँ पर मेहमान हैं और ये कमरा हमारा है। ओह अच्छा, और मैं नौकरानी हूँ। आप यहाँ अंदर कैसे आए? मैंने अभी तक सफाई नहीं की। बाद में आना। ये पागल है। मैंने कहा निकलो। डार्लिंग कुछ करो। अरे भला मैं क्या करूं? मैंने कहा जाओ। ओके ओके, ये लो तुम पैसे ले लो, हमें कोई हाउसकीपिंग नहीं चाहिए। ओके, मैं समझ गई। ये लो, तो खुद हिसाब कर लेना, मैं आऊंगी चेक करने। अब ये क्या था? एक सेकंड, इसके बदले इसे यूज करना, वरना तुम वैक्यूम खराब कर सकते हो। ये पहले मेहमानों ने चेक इन कर लिया, बाकी मेहमान जल्दी आएंगे। हाँ उम्मीद है, मैं यहाँ खड़े रहकर थक गई हूँ। मैं तुम्हारे इन जोक से पक गई हूँ। और मैं तेरे से उब चुका हूँ, तू पागल है। मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। तुमने ये घटिया होटल क्यों बुक किया है? तेरे को होटल पसंद नहीं आया? तू ही तो है जैसे अचानक घूमने जाना था, सिर्फ यही होटल खाली था, तो बस मैंने यही कर दिया। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। ईफा, क्या तुम मेहमानों को उनके कमरे में ले जाओगी? इनको नहीं नहीं नहीं, नहीं इनसे तुम निपटो। यार तेरे से बहुत परेशान आ गया हूँ मैं उन्हें अलग कमरा देने के लिए कहूँगा। एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। हमें चेक इन करना है। मुझे खेद है लेकिन कोई खाली कमरा नहीं बचा है। फिर हमें हमारे कमरे में ले चलो। बिल्कुल बिल्कुल। ओह, ये बदबू कैसी है? अच्छी जगह है। हटो जरा। हेलो, हम यहाँ पे मेहमान हैं। हम पहले आए थे। चलो मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ, आपका कमरा 15 है। लेकिन तुम नहीं चाहती थी उनका ख्याल रखना। मैंने अपना ख्याल बदल दिया, इन बदबूदार लोगों से तुम निपटो। मेरे पीछे आओ। हमारे कमरे का नंबर क्या है? मुझे खेद है, लगता है कि हमारे होटल में रहने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। क्या तुम्हें लगता है हम गरीब हैं? हमारे पास पैसा है लेकिन हम एक चैलेंज कर रहे हैं, 4 महीने हो गए, 2 महीने रहते हैं। ये रहे तुम्हारे पैसे, हमें हमारे कमरे में ले चलो।
ले लो चलो भी। ठीक है समझ गई। चलते हैं, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। ओह कूल, चलो चलें। ये रहा आपका कमरा। मेरे रास्ते से हटो। ओह ये होटल बकवास है। दीवारें गुलाबी काहे को भाई? आपने अपनी बुकिंग में ये रिक्वेस्ट की थी। मैंने तो घंटा कोई रिक्वेस्ट नहीं करी। चुप रहो अजीब, मैंने किया था। क्या तू मेरे से सलाह वाला भी तो मांग सकती थी? मैं रूम का रंग भी नहीं चुन सकती। इस होटल के बारे में यही एक अच्छी बात है, यहाँ तो कोई सैलून भी नहीं है। लेकिन हमारे पास एक स्टाइलिस्ट और मालिश वाली है। बढ़िया, दोनों को बुलाओ, मुझे सब कराना है। मैं ही एक स्टाइलिस्ट और मालिश वाली हूँ, दोनों मैं ही हूँ। ओ अच्छा, चलो मुझे मसाज करो। ठीक है। ए, अब मेरा क्या होगा? मेरे को भी तो मालिश चाहिए यार। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मुझे दो हाथों की जरूरत है। मेरे को भी, पहले मसाज मेरे को चाहिए। कितनी खराब सर्विस है, तुम्हारे पास सिर्फ दो हाथ क्यों हैं? मेरी लाइफ की सबसे खराब मसाज। ठीक है, शायद तुम एक बेहतर स्टाइलिस्ट हो, मेरा मैनिक्योर करो। बेशक बिल्कुल। तुम्हें मैनिक्योर करना किसने सिखाया? इसे ऐसे करो, ज्यादा आराम से, समझ गई? करो। यदि तुम इतनी समझदार हो तो खुद कर लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डार्लिंग टेंशन याओ नहीं, मैं तो मैनिक्योर दूंगा, आ जाओ। आखिर सारे मेहमान अपने कमरे में हैं, लोग काम कर रहे हैं और मैं आराम कर सकती हूँ। मैनेजर, अब क्या है? हाँ मैं यही हूँ। इसका क्या मतलब है, मेरे कमरे में बाथरूम ही नहीं है? ओह हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, हमारे पास एक साझा बाथरूम है, ये ऑरा के लिए अच्छा है, सभी ट्रेंडी होटल यही करते हैं। हे, हंगामा क्यों है? क्या हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? हाँ मैंने साफ कर लिया, मैं सिर्फ बाथरूम जाना चाहती हूँ। और तो जाओ, वो रहा बाथरूम। हाँ शुक्रिया। मियाँ ये क्या था, क्या तुम मेहमानों से इस तरह बात करती हो? मैं तो सिर्फ। कितना भयानक, इतना बुरा, जरा देखो। अरे क्या हुआ, बाथरूम में क्या है? वो भयानक है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। चलो देखें। ये टॉयलेट जम कैसे गया? मुझे नहीं पता, लेकिन इसे साफ करो। मैं क्यों? तुम नौकरानी हो। लड़कियों, वाओ ये भयानक बदबू किस चीज की है? ओह नेट तुम्हारी मदद करेगा, गुड लक दोस्तों। ओह नो, कम ऑन नेट, तुम कर लोगे। मैं थक चुका हूँ, लगता है इसमें कुछ तो फंस गया। इसे बाहर निकालो। चलो भी। जोर से खींचो। तो फिर अच्छा, चलो साफ तो हो ही गया। ये क्या है? अरे नहीं, ये तो एक बर्गर है, बर्गर किसने फ्लश किया आखिर? वो कहाँ है? हाँ तो डिनर कहाँ है? Well, मुझे बर्गर नहीं मिल रहा। मैंने उसे फेंक दिया, अच्छा नहीं था। तुमने क्या किया? और मुझे संतरा दो। नहीं ये मेरा है।
तुमने अपना पहले ही खा लिया। अब बस देखो और चलती रहो। अरे नहीं, मैंने छिलके की जगह संतरे को फेंक दिया। ओ बेवकूफ। हाँ, वैसे भी किसे परवाह है। ओए, क्या तुम पागल हो? तुम कूड़ेदान से नहीं खा सकते हो। हाँ, तो मैं चॉकलेट खाऊंगा। तुम खाओ, लेकिन पहले मैं संतरा खाऊंगी। नॉक नॉक, आप कैसे हैं? कमरे को क्या हुआ? इतनी गंदगी क्यों है? कैसे गंदगी? ये तो एक तरह की आर्ट है। हाँ, और वैसे भी साफ करना तुम्हारा काम है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं हाउसकीपर को बुला दूंगी। ठीक है। नेट, नेट, कहाँ गया? जागो मूर्ख। मैं सो नहीं रहा था। तुम सुस्त क्यों हो? जाओ रूम 14 को अभी साफ करो। वहाँ नहीं, दूसरी तरफ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे कमरों को भी देख लेना। इसका क्या मतलब है? क्या हुआ? जब हमने कमरा बुक किया था तो तुमने क्रिसमस डिस्प्ले का वादा किया था, कहाँ है वो? हाँ, ओह नहीं, मैं पूरी तरह भूल गई। मैं करती हूँ, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। वाकई? और अगर मुझे क्रिसमस ट्री पसंद नहीं आया? सब कुछ बढ़िया होगा, चलते हैं। ये रहा हमारा क्रिसमस ट्री। ये? अच्छा ठीक है। क्या मैंने फोटोज उनके बारे में सुना? हाँ, क्रिसमस ट्री, हटो रास्ते से। क्रिसमस ट्री, मुझे भी फोटो चाहिए। अरे मैं यहाँ पहले आई। आप यहाँ मजे कर रहे हैं, मैं यहाँ से जाती हूँ। अरे तुम परेशान कर रही हो, पीछे हटो, तुम बैकग्राउंड में रहो। हेलो, मुझे भी फोटो लेना है। ये दो बेवकूफ मेरी तस्वीर खराब कर रहे हैं, छोड़ो। ओह, कितनी रूड है। देखो गिफ्ट, सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। ओह, जैक ने मुझे गिफ्ट दिया, कितना रोमांटिक है। ये तुम्हारे लिए क्यों है? यहाँ सबसे सुंदर मैं हूँ। असल में मैं सबसे सुंदर हूँ। इसमें हंसने जैसा क्या है? तुम्हें लगता है तुम सुंदर हो? कम से कम नहा तो लो सुअर। ओह, तुम बेवकूफ हो, ये मेरा गिफ्ट है। ये जैक ने मुझे दिया है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए दूसरा ले आएगा, ये तुम लोग ही रख लो। चली जाओ तुम बेवकूफ। क्या बकवास है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर तकिया फेंकने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बचाओ मुझे, ये लड़की पागल है। अब हमें पता है गिफ्ट किसके लिए है। ये खाना नहीं है, क्या बकवास गिफ्ट है, बुरा। आज तो मैं सच में थक गया। क्या तुम अकेले हो? हाँ। डार्लिंग, तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये क्या तुम कपल हो? नहीं, हम बस गले मिल रहे थे, इतना ही, हम दोस्त हैं। हाँ, तुम चाहते हो मैं तुम्हें भी गले लगाऊं? कोई जरूरत नहीं, मेरा मूड खराब है और तुम इसे और खराब कर दोगे। मैं भी परेशान हूँ, किटी हम पर हुक्म चला रही है, ये करो वो करो। हाँ, बॉस बनती है। हम दोस्ती में उसकी मदद करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उसमें अकड़ आ गई। अरे चलो भी, किटी तो बस इतना चाहती है कि उसकी होटल की रेपुटेशन कम ना हो बस। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ, क्या हमें पैसे लेकर भाग जाना चाहिए? हाँ, लेकिन पहले गेस्ट से पैसे कमाने हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये सब करना सही नहीं है। चलो नॉर्मल तरीके से काम करते हैं, ठीक है? अरे नहीं, मुझे सब पसंद नहीं है। तो तुम अब भी काम करना चाहते हो? हाँ, अच्छा ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ! चलो एक प्लान बनाते हैं।
मेरा दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ हर कोई पागल है। चलो चलते हैं, चलो चले। बेबी शांत हो जाओ, ये बहुत ही अच्छा होटल है। नहीं, ये भयानक 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 है। डार्लिंग, इतनी लंबी फ्लाइट लेके बस तुम्हें स्ट्रेस हो गई। अपने बाल बना लो। ये हमेशा तुम्हें राहत देता है। एयू, किसी के बाल है इसमें। भयानक है। आप चिल्ला क्यों रही हैं? क्या तुम बता सकते हो ये सब क्या है? इस हेयर ब्रश पर बाल कहाँ से आए हैं? ओह, तुम समस्याएं खड़ी करते हो। ये लो। मुझे अभी बाल कटवाने हैं। आपकी किस्मत अच्छी है, स्टाइलिस्ट यही है। तुम नहीं। डार्लिंग कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुम्हें एक अच्छा हेयर कट मिलेगा और तुम रिलैक्स हो जाओगी। ठीक है, कोशिश करते हैं। बढ़िया, बैठ जाओ। ये बहुत अच्छा होगा। क्या आपको कर्ल पसंद है? हाँ। क्या आपको वैक्सिंग चलेगी? शायद नहीं। हाँ हाँ। तुम कर क्या रही हो? क्या मैं इसे खींच कर निकाल दूँ? नहीं, मैं गंजी नहीं होना चाहती, कुछ करो। तुम इतने परेशान क्यों हो? बस एक सेकेंड। ये लो। अब मैं पागलों की तरह दिख रही हूँ, बस हो गया। मैं अपने बाल खुद काट लूंगी। अगर आप चाहो तो, लेकिन आपको इस सर्विस के लिए पैसे देने होंगे। मैंने आप पर अपना समय बर्बाद किया है। चलो ठीक है, ये लो पैसे, लेकिन एक शर्त पर, यहाँ से बाहर निकलना होगा। ठीक है ठीक है। कहाँ ले जा रहे हो? नींद आ रही है। तुम सब कुछ देखते ही समझ जाओगी। सबसे खूबसूरत लड़की के लिए, मेरे लिए? हाँ। वाह, कितना खूबसूरत है। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए है। चलो यहाँ से निकल जाते हैं, इससे पहले हमें कोई देख ले। ये क्या है? क्या बकवास है, यहाँ पहले से ज्यादा कचरा है। सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या आप साफ है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं नेट से निपट लूंगी। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं अभी ठीक करती हूँ। तुम्हें पता है मुझे ये पसंद है। हाँ, ये बढ़िया है, एकदम घर जैसा। ये होटल की तरफ से है, मुफ्त पानी। सिर्फ पानी? ये सिर्फ पानी नहीं है, ये बहुत ही मजेदार है। कोशिश करो। तुम बहुत बड़ी नारी हो। हाँ, बोतल उठाओ। ओह हनी, मुझे क्षमा करें, ये क्या हो गया? मैं आपके लिए दूसरा पानी लाती हूँ। हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले हमारे लिए खाना लाओ। बस हमारे कमरे से निकल जाओ। फिर से सॉरी। आप कैसे हैं? मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। ये मैनेजर कहाँ मर गया? मैं करती हूँ। मैनेजर, मैनेजर, क्या चाहिए तुम्हें? बजना बंद करो, मैं सो नहीं पा रही हूँ। क्या तू मजाक कर रही है? हम मेहमान है भाई साहब, तेरे को तो पहली रिंग में ही जवाब देना चाहिए, समझ गई? अच्छा ठीक है, चिल्लाओ मत। क्या चाहिए तुम्हें? तुमने हमें अच्छे मनोरंजन और अच्छे खाने का वादा किया था, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। एंटरटेनमेंट? ठीक है, ये लो। चे काय के लिए भैया? ओ चलो भी, तुम इससे कॉकरोच और चूहे भी पकड़ सकते हो। हाँ लकी, यहाँ कॉकरोच है। मम्मी, बहुत डर लगता है। मैं मजाक कर रही थी,
यहाँ कोई कॉकरोच चूहे नहीं है। हम उन्हें बाहर फेंक देते हैं पर फिर भी वापस आ जाते हैं। कितना अच्छा होटल है, है ना? है ना? तुम पागल हो। भैंस की रंग गजब का होटल है यार। ओ, एक और कॉकरोच। मैनिक्योर और मसाज के लिए वो मेरे एहसान मंद है। वो पैसे नहीं देना चाहते इसलिए मैं पैसे ले लूंगी। ईवा, ओह मिया, क्या कर रही हो तुम? चोरी कर रही हो? ठीक है, मैंने सोचा कि मैं देख लूं वो पैसे कहाँ रखते हैं। झूठ मत बोलो, चलो साथ में इसे साफ करते हैं। अरे तुम आज कमरे में क्या कर रहे हो यार? हम बस धूल झाड़ रहे हैं। चल निकल यहाँ से। रुको, रुको, मेरे को तेरी हेल्प तो चाहिए वैसे। बेशक हम मदद कर सकते हैं लेकिन इसकी एक कीमत है। जी पका दल्ले। हाँ? अब हम सुनने के लिए तैयार है। यहाँ अपनी बंदियों प्रपोज माना चाहता हूँ। सुनो तो, मैं ऐसे रोमांटिक तरीके से करना चाहता हूँ यार। सब कुछ मतलब सजा दो, फूल वूल कुछ डालो, मजा आ जाए। चिंता मत करो, हम सब कुछ बिल्कुल सही कर देंगे। बहुत बढ़िया, तो मैं एरियल को बातों में उलझाऊंगा, तुम सब कुछ सेट कर दियो। और क्या मुझे रिंग विंग यही छोड़ देनी चाहिए? चला गया। वाह, कितना सुंदर है। इसे हम रख लेते हैं, हम इसे बारी बारी पहनेंगे। हाँ लेकिन मैं पहले। और हम इसे यहाँ रख सकते हैं। परफेक्ट। हाँ अब चलो। यार ये क्या, इसमें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। ये हुई ना अब कुछ बात। नीट, क्या तुम बिल्कुल पागल हो? तुमने रूम 14 में कचरा छोड़ दिया और अब सो रहे हो? पर मैं ही क्यों? तुम काम क्यों नहीं कर रही हो? वो हम क्या तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो? मेहमान ना खुश है, अगर वो खराब रिव्यू देंगे तो हमारा आखिरी सितारा छिन जाएगा तो होटल बंद हो जाएगा। हे, इस बकवास का हम क्या करें? तुमने खाने का वादा किया था कब मिलेगा, हमें कपकेक चाहिए। हाँ। मुझे बहुत खेद है, सब जल्दी तैयार हो जाएगा। जाओ रसोई में कपकेक्स बनाओ और तुम सफाई करो। मैं कपकेक्स नहीं बनाऊंगी। चुप रहो, जब मेहमान खा रहे होंगे हम उनके कमरे से सारा पैसा ले लेंगे। अच्छा ऐसा है, मैं जा रही हूँ। जल्दी करो। ये एक बुरा आइडिया है, मैं कपकेक नहीं बना सकती। ठीक है, हम संभाल लेंगे, पहले दूध डालो। और आटा, इसे कैसे मिलाएं? ऐसे। अब तैयार है। कपकेक कहाँ है? हाँ मैं अब और भूखा नहीं रह सकता हूँ, लगता है उन्होंने हमारा खाना खा लिया। क्या, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। या शायद तुम दूसरों के कमरे में ना जाओ। प्यारे मेहमानों कृपया शांत हो जाइए। तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? ये तुम्हारा खाना नहीं था जो हमने खाया। मत करो डार्लिंग, उन्हें शांत करो, मैं स्ट्रेस में हूँ। कपकेक आ गया है। हुर्रे! आखिरकार आप लोग खा सकते हैं।
बॉन अपतीत। स्वादिष्ट। ये मिलान की उस मिठाई की तरह है। वो संतुष्ट है। तुझे पसंद आए? अरे रोमांटिक सेटिंग को गोली वोली मारो, अभी अच्छे मूड में है और मुझे प्रपोज कर देना चाहिए। डार्लिंग, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि क्या बात है, ये प्रपोज कर रहा है। वाह, ये मुझे भी चाहिए। चुप रहो, बोलो क्रिस। सच्ची तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। बोलो राजी हो? बढ़िया, आसमान छू जाएगी होटल की रेटिंग। मैं क्या, तुम चाहते हो कि मैं ये बकवास पहनूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी वाली तो अलग थी। तुम बेवकूफ हो, मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। एरियल रुक जाओ, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें अभी तक का सबसे खराब रिव्यू दे रहा हूँ, तुम्हारा होटल बंद हो जाएगा। नहीं प्लीज नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुड़िया नहीं तो इस होटल को मिट्टी में मिला दूंगा, बता रहा हूँ। क्या जुनून है। ये क्या है, एक अंगूठी? ये तो अंगूठी है, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ सर। मैं राजी हूँ जाने में, मैं राजी हूँ, मेरे पास सबसे अच्छा पति होगा। ये हाँ, ये मजेदार है। हाँ, एक ब्रेकअप और एक सगाई। अलविदा मेरी किताबों, अलविदा मेरा टेलीफोन, मेरी छोटी सी घंटी। अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किस लिए? जीवन की सबसे खराब छुट्टी के लिए मेरा होटल बंद हो जाएगा। अरे यार बिल्कुल नहीं होगा, मैं अनीता को कब से प्रपोज करना चाहता था और तुमने वो इतने अच्छे से करवा दिया। अब मैं तुम्हें 5 स्टार्स दूंगा। क्या, कैसे? मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं एक फेमस होटल क्रिटिक हूँ और मैंने इस वेकेशन के लिए तुम्हारी रेटिंग को 5 स्टार तक बढ़ा दिया। सच में शुक्रिया। ओह सॉरी, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी। जल्दी करो, छुट्टी आने से पहले हमें सारा पैसा चुराना है। वैसे हमने इन बेवकूफों को अच्छे तरीके से तो लूट ही लिया है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हो गया, चलो चलते हैं। दोस्तों तुम गेस नहीं कर सकते कि क्या हुआ, उन्होंने हमारे होटल को 5 स्टार दिए हैं और अब हम शहर के सबसे अच्छे हैं। कूल, हम जा रहे हैं। क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? हाँ बिल्कुल हम जा सकते हैं, हम तुमसे परेशान हो चुके हैं। चलो लड़कियों चलते हैं। रुको, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये मेरी टिप है। सच में? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने कैश रजिस्टर से पैसे लिए? बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेहमानों को लूटा? हाँ, मैं तुम्हें निकाल रही हूँ और पुलिस बुला रही हूँ। नहीं 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 नहीं, पुलिस मत बुलाओ। मैं बुला रही हूँ। भागो। वो खुद को दोस्त कहते हैं? हे भगवान, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे यकीन है मैं सब कुछ अपने आप ठीक कर लूंगी। अरे क्या चल रहा है, हमारे पैसे वापस करो, हमें पैसे वापस चाहिए। भूख लगी है, टॉयलेट में कुछ गड़बड़ है। हाँ, मुझे गलत ड्रेस भेजा है, इसे सही करो अभी। हाँ नहीं, कोई खाली कमरा नहीं है। हेलो, खाना कहाँ है, स्टाफ कहाँ है, मुझे भूख लगी है। मुझे नहाना है, लेकिन उसमें बदबू आ रही है। शांत हो जाओ, कृपया शांत हो जाओ। खाना खाना। अरे नहीं, ये सब आखिर चल क्या रहा है दोस्तों, मुझे लगता है इससे ना हो पाएगा। हम यहाँ सफाई कर रहे थे और प्रेस कर रहे थे। अच्छा, आ 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
हम यहाँ पे गेस्ट हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए।